स्क्रीन से दिखाएंगे। एक्चुअली थोड़ा लेट भी हो गया उसको दिखाने में, क्योंकि मेरी बारी आते आते तक लेट हो गया। वो था अदानी विल्मर लिमिटेड, 391.92 पे हम आ चुके हैं ऑलरेडी। शेयर थोड़ी देर पहले मैंने नोटिस किया था। मैं आपको वीकली चार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन से, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी आपको जिक्र कर चुके हैं। अदानी विल्मर इकलौता ऐसा शेयर है जो अडानी पैक में से सबसे पहले हरे निशान में आया, पहला पॉइंट। ये आज का नोटिसेबल पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपको चार्ट के जरिए दिखाया था, ये वीकली है, इसमें एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की, आप ही सोच के देखो। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पूरे साल का बता रहा हूँ, 2024 में एक बार दो बार तीन बार इसने लाइन को अटेम्प्ट किया था पार होने का, लेकिन इस बार ये फाइनली पार हो गया 391 का। मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ प्रशांत जी, जरा देख के बताइए अदानी विल्मर के अंदर क्या पोजिशन अपन लेके बैठ सकते हैं। मैंने तो आज सुबह ही इसको देखा, मैं थोड़ा मैं माफ़ी मेरी तरफ से ही है कि मैं आपको थोड़ा लेट नोटिस करवा रहा हूँ, बट इतना भी लेट नहीं हुआ। मेरा टारगेट इसमें 440 रुपये का है, अभी 392 चल रहा है सर। इनफैक्ट ये मेरे रडार में भी था, और मुझे लग रहा है कि सबसे अहम बात आपको देखनी होगी कि जो पिछले वीक के वॉल्यूम बने हैं वीकली चार्ट पे, ये बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये पिछले करीबन एक डेढ़ साल में हाईएस्ट वीक के वॉल्यूम है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसमें बिग हैंड्स एंटर हो रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, अगर ये हमें 380 375 जोन में मिले तो इसमें जो रणनीति रखनी होगी वो छोटे छोटे ट्रांचेस में ऐड करो, करंट प्राइस पे अगर कर रहे हो। बट ये आपको 370 के आसपास मिले तो वो बहुत अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो होगा 360 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। यहाँ से जो टारगेट आपने किया 450, ये तो फर्स्ट टारगेट बन के आ रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखें एक टर्न अराउंड नजर आ रहा है, तो ये उसके ऊपर भी जा सकता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में ऐड कीजिए, हर डिप में ऐड कीजिए जब तक ये 360 के नीचे क्लोज नहीं होता है। के साथ डेज हाई पे इस समय ट्रेड करता हुआ आपको ये शेयर दिख रहा है, तो ये प्रशांत जी की भी लिस्ट में था। तो एक ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ भी दिख रहा है, लेकिन इस सेल ऑफ के अंदर आपको अच्छे शेयर्स भी दिख रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ 1800 डेज थोड़ा आप देखते रहो और आपको इंटरेस्टिंग शेयर्स हम आपके सामने रखते रहेंगे। बाकायदा डेज हाई पे 394 हो गया बॉस, 395 हो चुका अदानी विल्मर, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको 391 पे नोटिस करा था। मेरे को तो उस समय भी गिल्ट हो रहा था कि भाई मैं आपसे लेट बता पा रहा हूँ, लेकिन क्या है अभी भी 395 हो गया, तो मेरे को लगा कि चलो आप रख लो इसको। और प्रशांत जी ने खुद भी हौसला बढ़ा दिया कि भाई देखो हमने भी ये शेयर बताया था, देखो ये शेयर बढ़िया है। अडानी ग्रुप में से अडानी विल्मर इस समय 396 पे आ गया। मैं आपको फिर से बताता हूँ, बहुत ही सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। ये बात बोलते बोलते कई बार मेरा गला भी बैठ जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक शेयर आरबीएल बैंक, क्या प्रशांत जी और टूटेगा आरबीएल बैंक, यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या इसको? रजत जी अगर हम इसको करंट लेवल पे देखें तो ये एक अहम सपोर्ट के आसपास आया है, जो सपोर्ट है करीबन 215-210। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्टिंग करना रिस्क रिवॉर्ड को जस्टिफाई नहीं करेगा। इनफैक्ट मेरी सलाह होगी कि अगर किसी के पास शॉर्ट हो तो आज का जो ऑलमोस्ट हाई है करीबन 220-222, इसके जस्ट ऊपर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 223, और यहाँ पे कोई अगर उस लेवल के ऊपर बाउंस आए तो आपके शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक हो जाने चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग जाने की सलाह मैं नहीं दूंगा, बट इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए।